फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें चैनल ब्यूटीफुल यू को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन आती है। थैंक यू। मैंने ना ये एक ऐसा पैक बनाया है जिसे आप बनाकर रख सकते हो और किसी भी पार्टी फंक्शंस में जाने से पहले अगर लगाओगे तो निखार के सी इक्वल टू फेशियल के ही आएगा। ये रेमेडी आपके सांवले रंग को निखारने या धूप का कालापन हटाने के लिए सबसे ऊपर मानी जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपके ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू। रेमेडी बहुत 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 ही ज़्यादा आसान और कारगर, इतनी कि आप देख जाओगे इसका रिजल्ट, देखोगे ना तो चौंक जाओगे। आसान तरीका ये कि एक घंटे के लिए मैंने लाल मसूर की दाल को भिगो दिया था दूध में, तो वो फूल कर कुछ इस तरह हो गई जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद डायरेक्ट इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्सी में डालना है और एक फाइन सा पेस्ट बनाना। रेड लेंटिल्स यानी कि लाल मसूर की दाल आपकी रंगत को निखारने के लिए कारगर है, आपके चेहरे से सनटैन हटाने के लिए कारगर है। इसमें होता है विटामिन सी, तो आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो ये उसे भी बहुत तेज़ से लाइट करता है। बट दोस्तों, आपको हर चीज़ रेगुलर करनी पड़ती है तब आपको अच्छा असर दिखता है। अगर ज़्यादा रंगत डाउन है तो आप हफ्ते में दो बार लगाएं, वरना तो आप हफ्ते में एक बार भी लगा सकते हो या फिर किसी पार्टी फंक्शंस में जाने से पहले भी। मैंने एक फाइन पेस्ट बनाया जो कि आया है बहुत ही लाइट पिंक कलर में, और इसको आप स्टोर कर सकते हो इजीली 1 वीक के लिए फ्रिज में रखकर, बहुत अच्छे से चलता है। इसके बाद अगर आप और गुडनेस चाहते हो जैसे कि मैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड किया है, आप भी चाहें तो एक चम्मच ऐड कर सकते हो। आपको इस फेस पैक को चेहरे पर लगाने के बाद कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ना है। उस 20 मिनट के बाद आपको हल्के हाथों से पहले अपने चेहरे को थोड़ा सा स्क्रब करना है एंड देन वॉश। आप उसके बाद सिंपल वाटर से वॉश करिए और मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूलें ज़्यादा अच्छे ग्लो के लिए। आप सभी लोग जानते हैं मैं आपके साथ हमेशा शेयर करना चाहती हूँ अच्छी, आसान और असरदार रेमेडी, तो उनमें से ये एक है। अगर कोई और बात है या आप कुछ कॉमेंट करके पूछना चाहती हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए एकदम खुला है, आप ज़रूर सवाल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।